दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अकनवाज, आप देख रहे हैं अकनवाज स्पोर्ट्स। कोटा कराची का मैच हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। तराम मास्टर गुप्ठल ने सेंचुरी लगाई, बहुत ही उमदा परफॉर्मेंस किया आज मास्टर गुप्ठल ने, बहुत ही उमदा परफॉर्मेंस किया आज मास्टर गुप्ठल ने। इस PSL 8 में पहला सेंचुरी लगाने वाला प्लेयर बन गया मास्टर गुप्ठल। देखे कोटा का जो शुरू में कोटा जा रहा था, जिस तरह खेल रहा था, ऐसा लग रहा था कि पिछली मैच की तरह 121-30 करेंगे, लेकिन जिस तरह बाद में इफ्तिखार ने माटल गुप्टल के साथ जिस तरह पार्टनरशिप लगाई, बहुत ही आला परफॉर्मेंस की। इफ्तिखार ने भी बैटिंग की, माटल गुप्टल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पर उसने गेम को आगे लेके चला। शुरू शुरू में ऐसा लग रहा था कि कोटा आज इतना रन्स नहीं बना पाएगा, लेकिन माटल गुप्टल की वजह से आज कोटा 168 का अदफ दे दिया कराची को। जिस तरह शोएब मलिक ने कराची की तरफ से खेला, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया शोएब मलिक ने, बहुत ही आला परफॉर्मेंस दिया शोएब मलिक ने। पिछली मैच में भी शोएब मलिक ने 50+ स्कोर किया, इस मैच में भी शोएब मलिक ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया। बाकी देखा जाए इस सीज़न में, जैसे कि पिछले सीज़न में कराची का भी अच्छा सीज़न नहीं रहा, बहुत ही ख़राब सीज़न रहा कराची के लिए। ये सीज़न में भी ऐसा लग रहा है कि कराची इस दफा फिर से वही सेम चीज़ें दोहरा रहे, हारते हुए जा रहा है। फिलहाल 3 मैचेस कराची ने खेला है, तीनों में हार का सामना करना पड़ा है कराची को। देखते हैं आगे कराची कितने मैचेस जीत पाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है पिछले सीज़न की तरह इस दफ़ा भी कराची का वही हाल होगा। उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, ऐसा दिख रहा है कि पिछले सीज़न की तरह इस दफ़ा भी कराची का वही ख़राब परफॉर्मेंस, वही सेम चीज़ें दोहरा रहा है कराची। कराची किंग्स की जानिब से वही सेम चीज़ें दोहराई जा रही है। बेस्ट विशेज कोटा के लिए जिन्होंने अपना ये दूसरा मैच जीता। देखते हैं आगे कौन कौन सी टीमें जीतती है, कौन सा चैंपियन बनता है इस PSL में। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।